नमस्कार, मैं हूं नागिनी साथ, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजिम कुंभकल्प में मौजूद हूं और आज जो है राजिम कुंभकल्प जो है माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस 15 दिवसीय मेले में जो है आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज यह समापन अवसर पर देख सकते हैं लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ पे उमड़ी हुई है। सामने देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी हुई है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, साथ ही जो है कई घंटों से यहाँ पे लाइन में लगे। जी कहाँ से आए हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। जी पहली बार आ रहे हैं? नहीं, चौथी बार, यही रहने वालों में हमेशा आते रहते। कैसा लग रहा है इस बार का राजिम कुंभकल्प? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या चीज अच्छा लगा? ये सौहार्दपूर्ण वातावरण है, बढ़िया यहाँ पे भक्ति भावना वाला वातावरण है, बढ़िया लग रहा है। कितने देर से आप लाइन में लगे थे? डेढ़ घंटा हो गया। डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटे से लाइन में लगे हैं। वैसे तो लोग बता रहे हैं कि 4 बजे से यहाँ पे लाइन लगना चालू हो गया था। जी भाई कहाँ था? चंदना से। चंदना से कैसे लगा था बार के राजिम कुंभकल्प? अच्छा लगा। कितना देर से लाइन में खड़े हो? 3 घंटा हो गए। 3 घंटा हो गए। यहाँ ये देख सकते हैं इनको, 3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और इन्हें जो है जो है भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी का यहाँ पे दर्शन होने वाला ही है। जी दा कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से। रायपुर, रायपुर रायपुर से। कैसा लग रहा है इस बार से राजिम कुंभकल्प? इस बार तो ज्यादा ही भीड़ भाड़ दिख रहा है एकदम। ये राम राज्य रामलला उसके बाद में और कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, एकदम ज्यादा बढ़ गया। पिछले 4-5 साल से कुछ अधिक ज्यादा ही भीड़ है और उसके साथ साथ में श्रद्धालुगण भी बहुत आए हैं। मेला में आपका दुकान भी अच्छे सजे है, अच्छा ठीक ठाक है। और भी कुछ लोगों से जानते हैं ये कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं पूरे ऊपर तक के यहाँ पे जो है कुलेश्वरनाथ के ऊपर तक के यहाँ पे सीढ़ी में देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों का यहाँ पे लाइन लगा हुआ। जी कहाँ से हैं आप लोग? राजिम से। राजिम से हो। कैसा लग रहा है इस बार का राजिम कुंभकल्प मेला? बहुत अच्छा, भीड़ भाड़ देखने को मिली। जी कहाँ से आए? हसदा से। हसदा से। कैसा लग रहा है इस बार का राजिम? बहुत भीड़ है इस बार तो। कितने देर से लाइन में लगे हो आप? 7 बजे से। 7 बजे से लगे हो। देख सकते हैं भक्त जो है यहाँ पे 7 बजे से। कहाँ से आए भैया? बालाघाट। एमपी से। ये देख सकते हैं लोग जो है अन्य प्रदेश से भी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है राजिम मेला इस बार का? अच्छा लग रहा है। अच्छा मेला। कहाँ कहाँ दर्शन किए हैं? हम लोगों ने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम किए हैं लगातार 8 दिनों से। 8 दिनों तक काम किए। कैसा लगा भगवान का दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। क्या कहना चाहेंगे इस बार का जो राजिम कुंभ के बारे में? अच्छा, हर्षोल्लास से मनाया जाता है यहाँ पर। देख सकते हैं लोग काफी उत्साहित हैं भगवान के दर्शन को पाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से मैं दिखाना चाहूंगा, कि यहाँ पे लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है, करीबन कई दूर तक ये लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे और भी कुछ लोगों से हम बारी बारी से जानना चाहेंगे। जी अंकल, ये देख सकते हैं छोटी बच्ची भी यहाँ पे दर्शन के लिए आई हुई है। जी कहाँ से आए हैं आप? बताओ धमतरी से। क्या करने आए हो? दर्शन करने आए हो। जी कहाँ से आए हो? धमतरी से। कैसा लग रहा है आज का यह पावन पर्व जो है? अच्छा अच्छा लग रहा है। जी कहाँ? धमतरी। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा आते रहता हूँ। इस बार का राजिम कुंभकल्प कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा। इससे पहले भी आपने 4 साल तक इस प्रकार से माघी पूर्णिमा और इसमें तुलना करें तो? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इस बार। देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह का माहौल है भगवान के दर्शन के लिए और लंबी कतारें यहाँ पे देख सकते हैं आप। और भी कुछ लोगों से बारी बारी से हम जानना चाहेंगे कि कितने समय से लाइन में लगे थे और क्या कहना है। जी कहाँ से आए आप लोग? रायपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है इस बार का राजिम कुंभ मेला? बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छा है। पहली बार आ रहे हैं क्या? पहली बार आ रहे हैं, काफी वेल मैनेज्ड है। अच्छा अच्छा। कितने समय से लाइन में लगे हुए थे? एक डेढ़ घंटा लगा हुआ जाने दी। कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है, मतलब सब व्यवस्था बने हुए तो बहुत अच्छा। क्या मानते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल क्या है? हाँ है, सब एक लोटा जल सब समस्याओं का हल है, क्योंकि इसने बहुत सारे समस्या का हल किया है। समस्याओं का हल है। पावन पर्व पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भक्तों की यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है और लोग जो है दूर दराज से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं भगवान श्री कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन के लिए। जी कहाँ से आए आप लोग? नायक बांधा भनपुर। नायक बांधा भनपुर से आए। कैसा लग रहा है आज का यह पर्व? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आज का दिन। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या बस भोले बाबा की दर्शन हो जाए। जी जी, भोले। कितने समय से लाइन में लगे हो आप? 2 घंटा हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप?
कैसा भी हो बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए, सभी को दर्शन हो, किसी प्रकार की धक्का मुक्की वाली स्थिति ना बने, भले 5 लाइन हो 6 लाइन हो लेकिन सभी को उसका मौका मिल जाए, सबको दर्शन। कितने समय से लाइन में लगे आप? 2 घंटे हो रहे हैं। 2 घंटे हो रहे हैं। कहाँ से हैं? हम रायपुर से हैं। रायपुर से हैं। देख सकते हैं लोग जो है रायपुर से भी पहुँचे हुए। और भी कुछ श्रद्धालुओं से जानना चाहेंगे जी, कहाँ से आए आप लोग? अभनपुर ब्लॉक से। जी कैसा लग रहा है आज का यह पावन पर्व? काफी अच्छा लग रहा है, राजीव मेला। भगवान से जो कुछ भी मांग रहे वो पूरा हो जाए सपना, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और पहले सजावट भी सही है, लेकिन जो महादेव है कुलेश्वर महादेव, उसका लोगो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। राम ही का दिख रहा है मेरे को, जहाँ भी देख रही हूँ राम ही का लोगो दिख रहा है। तो मेरा कहना ये है कि कुलेश्वर महादेव का भी लोगो रहना चाहिए था यहाँ। इस बार की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है इस बार का व्यवस्था, लेकिन पहले की अपेक्षा जो भीड़ है वो काफी कम दिख रहा है। आज महाशिवरात्रि है तो भीड़ अधिकतर होना चाहिए था, बट यहाँ मेरे को भीड़ नहीं दिख रहा है। आप भगवान का दर्शन किए, आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है। राजीव, इन मनोकामनाओं को लेकर आप मंदिर पहुँचे हुए थे आज? मैं बहुत सारा मनोकामना को लेके पहुंची हूँ यहाँ, भगवान का विश्वास करती हूँ और जो मिल जाए भगवान से ही मिलेगा। क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे आज की इस पावन पर्व के बारे में? आज महाशिवरात्रि का दिन है, काफी सारे लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं भगवान कुलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, बट उसमें जो वर्णन किए हुए है ना उसमें भगवान कुलेश्वर मंदिर का लोगो वगैरह भी होना चाहिए था। काफी सारे लोग अपना अपना सब हर इंसान का इच्छा रहता है, मैं भी बहुत सारे अपना उम्मीद लेकर आई हूँ कि भगवान मेरा मनोकामना सिद्ध कर दे। आज हम लोगों का फास्ट अभी है तो हम लोग बहुत सुबेरे से 4:30 बजे समथिंग आए हुए हैं, इन्हीं आशा के साथ आए हुए हैं कि भगवान कुलेश्वर मंदिर हम लोगों का मनोकामना पूर्ण कर दे और जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए उन सबका भी मनोकामना सिद्ध करना चाहिए। कितने सालों से आप इस राजिम मेले में आ रहे हैं? हम लोग काफी साल से आ रहे हैं, जब छोटे थे ना तब का आ रहे हैं। इतना तो याद नहीं है कि कितने ईयर हो गए हैं, बट बचपन से आ रहे हैं बहुत दिन से। और जो कुलेश्वर मंदिर का जो वर्णन हुआ है ना काफी दिन से है, ये जो है ना वो नीचे मतलब जमीन से ही खुद अपना जो है वो स्वयं से बना हुआ है। आप लोग को इस राजीव मेले में क्या क्या समस्या आ रही है या सब ठीक है? समस्या शौचालय का बहुत जरूरी है, खास करके लेडीज पर्सन को शौचालय के लिए बहुत दिक्कत होता है, इधर उधर जाना पड़ जाता है। तो शौचालय का ना हर जगह दर्शनीय स्थल में अधिक से अधिक व्यवस्था करवाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप लोग क्या समझते हो? मेन जो है शौचालय का सुविधा रहता है, जैसे लेडीज लोगों का मेन ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि लेडीज लोग कहीं पर तो यूज नहीं कर सकते ना, ये दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर ना बहुत अधिकतर से अधिकतर शौचालय की सुविधा होना चाहिए, जैसे और बाकी जगह पर है स्थल जो है श्रद्धालु लोग जाते हैं तो हर इंसान को यही दिक्कत होता है शौचालय का, तो अधिकतर से अधिकतर शौचालय सुविधा होना बहुत जरूरी है जहाँ जहाँ पर। हमारे साथ श्रद्धालु जिन्होंने आज राजिम कुंभ कल्प को लेकर अपनी बात रखी और इसी मनोकामना के साथ आज जो है भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का दर्शन किए। धन्यवाद। मैं